दोस्तों, सूरज कुमार तारी सिरा स्पोर्ट्स अवर। पाकिस्तान इंग्लैंड के विच में जो है पहुँ टेस्ट मैच खेलो पे वे मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में अज जो है बो ढी पे खेलो वे अजा तीन जो मैच हल पो नवे एकड़ो विकेट गिरो इंग्लैंड जो पाकिस्तान 556 रन सौ आखिर में एक बेहतरीन इनिंग खेली आगा सलमान 100 रन सौ आगा सलमान भी आयो। पर सवाल जो इनते उथन था सवाल यो था उथन पिच जो ठाई वही है इन मैच लाए वो एतरी रोड टाइप जो पिच ठाई वही है जिते रन्स जो है आसानी से लगी सकन थी पर विकेट्स वठन जो है तमाम मुश्किल है बॉलर्स लाए जो ये कब्रिस्तान है बेसिकली। इनते असंखे कोई रिजल्ट मिली सो या यो मैच जो है टाई थी ड्रॉ थी इन सब पाकिस्तान क्रिकेट के कड़ो फायदे छो अल्टिमेटली अस चाहूँ तो कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान अचे थी असं होम कंडीशन में फायदो वी मैचिस खटूँ पर अगर ये मैचिस अस ये ड्रॉ कहीं तो उनको कोई मुझे ख्याल में फायदो को इनते गाल भी कहना उनका पोए जो वाइट बॉल कैप्टनसी से पा सभी खबर आ बाबर आजम रिटायर यानी रिजाइन दई छो इस्तीफा दई छो हाँ पीसीबी जो है वो परेशान थी चुकी है अगर रिजवान के कैप्टन ठाए थी तो उन ब शर्तू रखी अगर वो ब शर्तू पूरी करी पीसीबी तो ही रिजवान कैप्टन नत को अगर कें यंगस्टर के दे दी कैप्टनसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये वा मगरमच्छ वेठा टीम में बाबर आजम शादाब शाहीन जाफरी रिजवान यो उनके प्रेशर दींदा उन यंगस्टर के मथा ए कैप्टनसी करण को दींदा इनते भी गाल बोल कंदासी आखिर बाबर आजम जे चही ते जो है मोहम्मद रिजवान उनकी शर्तू कड़ी उनते भी गाल बोल कंदासी उनका पोए जो है शाहीन जाफरी दी अज असा बॉलिंग दिठी कुछ खास जो है करे कोन सको ए मीर हमजा के विहारे करे शाहीन जाफरी के खेडायो वियो अज ॾिसूं था भला इनते भी ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शोएब रहमान सां मार्शल मोदी शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक शोएब भाई। अभी जो स्कोर है वो 92 पे एक विकेट गिरा है इंग्लैंड का, वो भी हमने बड़ा एक चमत्कार हुआ था जो विकेट लिया था आज हमने आमिर जमाल ने जो फील्डिंग की है जो कैच पकड़ा एक हाथ से उसी की बिना पर हमने एक ये विकेट ले ली। अदरवाइज जो है इंग्लैंड जो है ऑन टॉप है आखिर में जो है वो जबरदस्त रन पौने पाँच की एवरेज से जो है रन बना रहे हैं। हम बड़ा खुश हो रहे हैं कि हम जो है चार की एवरेज से रन बना रहे थे कल, लेकिन आज इंग्लैंड ने जो शुरुआत की है लग ऐसे रहा है कि मैच हो सकता है कि ड्रा हो जाए। हाँ नहीं, तुमने जो ये बात की बिल्कुल ठीक बात की है कि इंडिया जिस वो इंग्लैंड जिस पेस से खेलती है वो बिल्कुल वैसे ही खेल रही है। जो एक विकेट मिली वो हमें तौफतन विकेट मिल गई तो हमारे बॉलर्स ने तो ऐसा खास इंपैक्ट छोड़ा नहीं है। शाहीन अफरीदी पर हम मुसलसल बात करते हुए आ रहे हैं कि जनाब 144 की स्पीड से वो एकदम वो 130 पर आ गया। बिल्कुल 2022 के बाद से जो है ना उसने 140 प्लस की स्पीड से बॉल फेंकी नहीं है। बिल्कुल ये भी सवाल उठता है कि जनाब वो अनफिट है, क्या प्रॉब्लम है और मीर हमजा बाहर बैठा हुआ है तो क्यों नहीं लिया गया? तुम्हें ये पता तो क्यों नहीं लिया गया सर? यार उस पर सवाल ये उठा कि जनाब वो आमिर जमाल जो है ना बैटिंग अच्छी कर, अच्छा हमारे पास हालांकि नंबर 6 नंबर 7 तक बैट्समैन मौजूद हैं मगर इनको पता नहीं क्या खौफ है। और ये बात हमारे कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि जनाब वो हमने जो है ना अपनी बैटिंग को मजबूत किया और आमिर जमाल एक बैटिंग नहीं फिर तो शोएब भाई ये इंतहाई खराब डिसीजन था क्योंकि एक तो आप बैटिंग पिच बना रहे हैं उसके ऊपर भी अच्छे बॉलर्स के जो है उसके बजाय जो आप अच्छे बैट्समैनों को तरजीह दे रहे हैं कि बॉलर भी बैटिंग करें तो ये तो इंतहाई खराब डिसीजन है। अगर आपने मीर हमजा को बिठा के आमिर जमाल को सिर्फ इस वजह से खिलाया कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, भाई एक तो आपकी बैटिंग पिच है यानी जो आउट ऑफ फॉर्म है प्लेयर्स वो भी बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है आमिर जमाल को खिलाने की? अच्छा, और आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी इंग्लैंड वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में 18 विकेट ली थी, रन पता नहीं 180 रन बनाए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मगर बात ये हो रही कि आमिर जमाल और शाहीन शाह अफरीदी अभी फुली फिट 100% नहीं है। बिल्कुल, तो जब एक बॉलर 100% फिट नहीं है तो वो कैसे आउट करेगा? और एक बॉलर जो 100% फिट है उसको आपने बाहर बिठा रखा। मीर हमजा सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है टेस्ट का, मीर हमजा जो है ना T20 में खेल रहा है, मकसद आप उसको ओडीआई में भी नहीं देते। सही है। तो जो एक ने अपने आप को क्या नाम है उसके लिए महदूद कर रखा है टेस्ट के लिए, आप उसको नहीं ले रहे, ये तो फिर ज्यादती है ना उसके साथ। आमिर को आप अपने बॉलर देख लो, शाहीन शाह अफरीदी कब तक 128-130 पे बॉल फेंकेगा यार? जब तक 145-150 पे आप बॉल नहीं फेंकते तो इन विकेटों पे फिर बॉल कुछ करती नहीं है। 130 पे एक ऑर्डिनरी सा बॉलर लग रहे ना, नसीम शाह जो थे इंजरी से पहले बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे और जब से इंजरी के बाद से वापस आए हैं उनकी बॉल में ना वो स्विंग रहा है ना वो स्पीड रही।
अरे शोभा, मुझे ये बताएं कि ऐसी पिच का क्या फायदा जो आपको रिजल्ट नहीं दे। एक तो हमारी होम कंडीशंस, होम सीरीज, हर कोई चाहता है कि यार होम सीरीज के अंदर जो हम मैचेस जीते, लेकिन ऐसी पिच का क्या फायदा जो आपको रिजल्ट नहीं दे। आखिर में ये मैच अगर ड्रा हो गया तो अल्टीमेटली तो फायदा तो नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। नहीं, फायदा तो नहीं होगा, मगर हम, मैंने पहले भी बात कही थी, देखो हम लोग जो है ना, पिछले जो हमारे टेस्ट मैच गुजरे हैं 8-10 टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर, हम उसमें पूरी तरह हारे हैं। सही है। एक हमें ये भी खौफ था कि यार हम उस शेल से तो निकले जो हम हारे जा रहे हैं। एक चीज हमारे पास ये हो गई है कि देखो, तो हमने यहाँ पर पहले भी कहा, हम 25-30 साल से यहाँ पर क्रिकेट देख ले, हमारे यहाँ कमोबेश ऐसी विकेटें होती, मगर हमारे पास बॉलर जादूगर थे ना, हमारे पास इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, स्पिनर में अब्दुल कादिर थे, तौसीफ अहमद थे, इकबाल कासिम थे, बाद के अंदर मोहम्मद आसिफ आ गए, शुएब अख्तर आ गए, उमर गुल आ गए, एक बॉलर की लंबी लाइन लगी थी ना, सकलैन मुश्ताक आ गए, यानी कि बॉलर कहीं से रुके नहीं, स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर भी, तो यही स्पिनर्स यही फास्ट बॉलर पाकिस्तान के अंदर हमें इन्हीं विकेटों पे जीत के देते थे। अब एक उल्टा मसला ये हो गया, अब हमारे पास ना बॉलरों में इतना दमखम नहीं है कि वो इन विकेटों पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। सही है। तो ये अलमिया है, और आप देखो कि मकसद ये, जो अगर इंग्लैंड ने भी 450 रन कर दिए, अगर इंग्लैंड ने 100-150 की लीड दे दी तेज खेल के, तो हम फिर दूसरी इनिंग के अंदर फंस ना जाए, इस चीज को भी हमें सोचना पड़ेगा जो बांग्लादेश के साथ हुआ था। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है और काफी डरावनी आपने बात बता दी, ये वाकई भी हो सकता है। हमने 500 रन बनाया, अगर इंग्लैंड 5 के रन रेट से खेलता है, आज उसने 100-125 रन तो बना लिए, कल का दिन अगर पूरा खेल जाए और उन्होंने 450-500 रन की भी लीड दे दी, कल तो तीसरा दिन ही होगा ना, तो चौथे दिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने ट्रैप कर लिया तो फिर आप क्या करोगे? सही बात, करिए आप सोच के भी जाओ तो ये हो सकता है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट है कुछ, फिर आज देखो, आज थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, सऊद शकील पे। अच्छा, सऊद शकील ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी, मतलब सऊद शकील की पहली 50 आई है 96 बॉलों पे, ठीक है ना, दूसरे 32 रन उन्होंने कोई मेरा ख्याल से 81 बॉलों पे किए हैं। अच्छा। तो सऊद शकील ने थोड़े से प्रेशर में क्या थे, जब कोई भी बैट्समैन अपने आप को एक शेल में चला जाता है, डेड बैट से खेलने लग जाता है और वो रन नहीं करता, तो वही हुआ जो आज सऊद शकील के साथ हुआ। सऊद शकील को आज 100 करने थे, उन्होंने अपना 100 जो मिस किया है अपनी ही बैटिंग की वजह से, अपने आप को वो उस शेल के अंदर लेके चले गए, इतना प्रेशर में आ गए कि वो बिल्कुल डेड बॉल से खेल रहे थे और अल्टीमेटली वो आउट हो गए। शोएब भाई, आगा सलमान को देखो। अच्छा शोएब भाई, हर बंदा तो नहीं सेंचुरी लगाएगा ना, ठीक है उसने अगर 80 रन लगा दिए, देखो सेंचुरी लग जाएगा, मगर देखो मियादाद का एक मियादाद दसियों दफा बैट्समैनों को बताते थे, रमीज राजा भी आप तस्करा कर रहे थे कि मियादाद कहते थे कि जब आप 50 क्रॉस कर लो तो कभी भी आप शेल में ना जाओ, बॉलर्स को आप हावी ना होने दो, बॉलर्स को आपने अगर स्पिनर्स खेलने एक आध निकल के आपने बाउंड्री मारनी है, उसको बॉलर्स को आपने बैकफुट पे लाना, जब आपने ये पहले से सोच लिया कि 6 की 6 बॉलें रोकनी है तो बॉलर फिर आपको प्रेशर में नहीं आएगा, आप पे प्रेशर डाल देगा। अच्छा, तो ये सऊद शकील को वक्त के साथ साथ सीखना पड़ेगा। तो शोएब भाई, ये क्राउड व्राउड भी नहीं आ रहा, आजकल पीसीबी ने एक और अनाउंसमेंट कर लिया कि भाई अगले जो दिन होंगे, जितने भी 3 दिन है अभी, उसमें फ्री कर दिया है क्राउड के लिए, और क्या इतना इंटरेस्ट नहीं है या लोग भी समझ चुके हैं कि यार फायदा नहीं है, 5 दिन देखेंगे आखिर मैच ड्रा हो जाएगा। ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये अलमिया है, और खबर को पाकिस्तान के अंदर जो है ना क्राउड, इंडिया में तो फिर भी क्राउड कुछ आ जाता है, मगर पाकिस्तान की तरफ टेस्ट मैच में इतना क्राउड कहीं पर आता है नहीं, और फिर उसके बाद ये बोरिंग किस्म के मैच हो जाए जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता, वहां क्राउड मुश्किल से ही आता है, ये अभी का अलमिया नहीं है, पहले से चल रहा है, और गर्मी गर्मी भी बहुत ज्यादा है वहां पे ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर ये पिंक बॉल टेस्ट होता रात में खेला जाता तो शायद ज्यादा लोग आते, मुल्तान अंदर जो गर्मी भी ज्यादा पड़ी है शोएब भाई इस वक्त, मुल्तान में तो पूरे पाकिस्तान के हिसाब से वहां मुल्तान में तो बड़ी गर्मी पड़ती है, और दोपहर के अंदर वहां पर निकलना मतलब एक बड़ा मुश्किल काम है, तो क्राउड की ये वजह, ये कोई नई बात नहीं है। अरे शोएब भाई, एक और नई खबर आई है सामने, एक तो रिजवान वाली आई है कि 2 शर्तें रखी गई है, एक और आई है कि तीसरा जो मैच खेलने जाना था रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड का, अब वो भी जो है मुल्तान के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी तीनों मैचेस जो है मुल्तान में ही खेले जाएंगे इस फटे विकेट के ऊपर और पिच के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? ये इस पे जब मुस्तकिल मैचेस होंगे तो तुम देखना अगले मैच, दूसरे और तीसरे मैच के अंदर ये विकेट जो है ना खुल जाएगी और ये स्पिनर्स को बहुत मदद देगी। अच्छा, अब अल्टीमेटली हमें कुछ देखना पड़ेगा, कोई अच्छा ऐसा स्पिनर डाले, मगर हमारे पास है ही नहीं, अबरार शुरू में बड़ा अच्छा बॉल बॉल कर रहे थे, मगर अबरार भी अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, अंडर वो
T20 के हिसाब से और ODI का बॉलर बना रहे हैं, और सर टेस्ट में तो अब बॉलरों की तवज्जो रही नहीं है ना। शाहिदा अफरीदी क्यों टेस्ट में जान नहीं मारता? अरे भाई जान ना मारना पड़ती है, आपने प्रैक्टिस करना पड़ती है। उसको यह है कि यार ये पैसे कमाने हैं मुझे, मैं T20 खेल के कर लेता हूँ तो मैं खामा खाई 140-145 पे अपने आप को इंजर्ड भी कराऊं, साल दो साल के लिए बाहर हो जाऊं, और साल दो साल क्रिकेट ना खेलो तो मेरा तो 10-12 करोड़ का नुकसान हो जाता है। सही बात है। तो प्लस की ये सोच हो गई है। अगर आप हम लोग तो क्रिकेट के दीवाने हैं तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, मगर जो भी प्लेयर आ जाता है वो अपने हिसाब से सोचता है कि यार मुझे किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है। प्योरली और रहा सवाल तुमने रिजवान की बात करी, कि रिजवान ने तो बिल्कुल ये कह दिया है कि क्रिकेट बोर्ड भी मुझे बना दो, सिलेक्टर भी मुझे बना दो, कप्तान भी मुझे बना दो, और सब कुछ मुझे बना दोगे तो मैं कप्तान बनूंगा, मैं टीम भी अपनी मर्जी की लूंगा। चलो ये बात तो ठीक है कि मुझे कम से कम 3-4 साल का कप्तान बनाओ, तो कप्तान तो हम इस बात से एग्री है कि 3-4 साल का हो, मगर रहा सवाल ये कि नहीं यार क्रिकेट सारी की सारी मेरी पसंद की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वहां पर सिलेक्टर भी बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो भी तो कुछ सोच विचार करके देखा। आपकी मुशावरत हो सकती है, आप बैठ के बात कर सकते हैं कि यार ये प्लेयर आए, उस पर डिबेट हो सकती है, मगर आप कह दो कि यार मैं 11 प्लेयर लिख के दे दूं तो ये एक बहुत बड़ा है, इस पर PCB क्या जवाब देती है? तो मेरा ख्याल से तो इस पर तो ना ही कर देना चाहिए, अगर आप इस किस्म की कोई अपनी तो अगर रिजवान को नहीं बनाते कैप्टन तो किसको बनाए? अगर किसी यंगस्टर के पास जाते हैं तो ये चारों जो आपके सामने जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े आपके नाम हैं, वो बड़ा प्रेशर डालेंगे उस यंगस्टर के ऊपर। अगर PCB जाए तो जाएगा तो अगर ये कप्तान नहीं बनते ना तो फिर ये देखो जिस तरीके से आज रिजवान सिफर पे आउट हो गया, इतनी डेड विकेट पे, बाबर आजम से आज भी रन नहीं हो रहे, तो भैया फिर आप इन लोगों को देखो, इनके बड़े नाम हमें सिर्फ आने नहीं है, अचार नहीं डालना इनका। अब अगर ये प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देते, मुस्तकिल ये नहीं चलते, और ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अगर इनमें से कोई कप्तान नहीं होगा तो ये यंगस्टर को तो खा जाएंगे। तो फिर PCB ने बोल्ड डिसीजन लेना होगा कि यार ये तीनों तो कुछ शाहिन शाह अफरीदी भी कोई आपका इतना काम का नजर नहीं आ रहा ना, ये तीन ही खलीफा है ना, मैंने शाहिन शाह अफरीदी हो गया, रिजवान हो गया और बाबर हो गया, शादाब हो गया। शादाब तो पता नहीं इन लोगों ने बना रखा था, जब ये तीनों नहीं होंगे तो शादाब तो किसी गिनती में नहीं है। तो शादाब को तो फिर ये वैसे ही पार कर देंगे। तो जब अगर ये रन नहीं करेंगे 5-6 महीने, PCB मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा समझदार वो लोग हैं, इनके नखरे जब तक उठाए जा रहे थे कि ये परफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनके बारे में भी फिर PCB को सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर रिजवान की एक्सेप्ट ये कर लेते हैं, ये जो भी रिजवान ने जो शर्तें रखी हैं, तो ये गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे तो नहीं हो सकता यार हम लगातार मैचेस हारते जाए, UAE से भी हार जाए, अगर आयरलैंड से भी हार जाए, रिजवान तो भाई कहेंगे भाई 3 साल के लिए मैं आया हूँ, मुझे नहीं हटाओ, तो यानी ऐसे तो नहीं हो सकता ना, किसी भी टीम में ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो वो PCB के सेलेक्टर बैठे हुए दसियों फैसले करने होते हैं, और आप इजारादारी किस चीज कर दोगे यार, ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। हाँ। तो आप पहले रिजल्ट तो प्रोड्यूस करो, आप कप्तान तो बनो आहिस्ता आहिस्ता। चलो शोभाई, डे स्टंप हो चुका है, 96 पे 1 विकेट गिरी है, 20 ओवर खेले गए इंग्लैंड ने, 20 ओवर खेले हैं, 96 पे सिर्फ 1 विकेट गवाई है 4.80 की एवरेज से, तकरीबन 4.5 की एवरेज से जो रन्स बनाए हैं बहुत मुश्किल नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। जो भाई ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है ना इस पर मजीद जो बातचीत करते हैं। वापस आ चूँ इंग्लैंड ही पाकिस्तान जो पहुँ टेस्ट मैच बो ढी जो खत्म थी चुको उनके गाल बोल कहते ब्रेकअप। पाकिस्तान 556 रनस आयू पहली इनिंग में, इंग्लैंड जो जवाब में 96 ते 1 विकेट गिरो, बी जो थी चुका इन पहली टेस्ट मैच में मुल्तान में ये खेली वे टेस्ट मैच। पाकिस्तान की पोजिशन स्ट्रॉन्ग आए इतना का, पाकिस्तान इतना का मैच खटे सके तो या ना इनते गाल बोल क्यों पाया, यो मैच इंग्लैंड खटन या ड्रा थो दिसा तो शोएब रहमान साहब हमारे साथ। शोएब भाई, अब फाइनली हमारे पास रिजल्ट तो आ चुका है दूसरे दिन का, पाकिस्तान की इनिंग के जवाब में इंग्लैंड ने 96 रन बनाए हैं 4.5 की एवरेज से। हम बड़ा खुश हो रहे थे कल यार कि हमारी शान मसूद ने 150 बना दिए, सलमान अली आगा ने सेंचुरी लगा दी, सो शकील ने रन बना दी, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी लगा दी। ये मेरे ख्याल से रोड पिच थी जिसके ऊपर अगर बच्चों को भी खिलाते वो भी 50 रन बना ही देते, रिजवान ने फिर भी 1 रन नहीं बना सके, वो 0 पे आउट हो गए आज इस विकेट के ऊपर। क्या कहेंगे शोएब भाई आज के दिन के ऊपर, आज का जो दिन गुजरा है?
दूसरा यार कल भी मैंने इस पे बात करी थी कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने 448 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हुए थे, टीम को डिक्लेयर कर दिया था, तो वहां हमारे बैट्समैनों को इतना कसूर नहीं था। दूसरी इनिंग के अंदर हम बंगाली प्लेयर्स को आउट नहीं कर सके प्योरली। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास बॉलर जो है ना खत्म हो चुके हैं, जो कि दूसरी टीम पर प्रेशर डालने के काबिल नहीं रहे हैं। दूसरे ना हमारे पास स्पिनर्स हैं जो स्पिन कर सकें। तो यहाँ की अगर इंग्लैंड ने, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, आज तकरीबन 100 रन कर लिए हैं, तो कल अगर पूरे दिन इसी स्पीड से खेलते हैं, अगर इंग्लैंड ने कल पूरे दिन खेल के 400 रन बना दिए, 500, दूसरे दिन अगर वो एक सेशन खेल के 150 रन बना देते हैं, तो पाकिस्तान को उन्होंने 100 रन की लीड दे दी ना। सूरज मेरी बात याद रख लेना, पाकिस्तान के लिए दूसरे इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगी चौथे बिल्कुल। और ये दिन। कहा जा रहा है कि मुल्तान की पिच जो है 2 दिनों के बाद स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, और इंग्लैंड की टीम में शोएब भाई 2 स्पिनर्स हैं, 2 स्पिनर उन्होंने खिलाए हैं, हमने सिर्फ एक खिलाया है अबरार अहमद, जो कि आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहा है। अच्छा, बॉलिंग में किस किस ने अभी तक ओवर्स कराई है? शाहीन जाफरीदी ने 6 ओवर फेंके, 1 मेडन कराई, 24 रन दिए। 5 ओवर जो उन्होंने कराए उनमें से 24 रन दिए, 1 मेडन गई 6 ओवरों में, तो 4 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। नसीम शाह ने 7 ओवर कराए, 1 विकेट गिरा था, उन्होंने भी तकरीबन चार की एवरेज से जो है रन दिए, 31 रन दे दिए 4 ओवर में। अबरार अहमद ने 7.5 की एवरेज से तकरीबन रन दे दिए। आमिर जमाल ने भी 3 ओवर किए और 12 रन दिए। शोएब भाई, अब तक हमने 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, सलमान अली आगा को आज हमने फिलहाल नहीं दिए बॉलिंग, लेकिन कल सलमान अली आगा भी बॉलिंग करेंगे डेफिनेटली। कैसे देख रहे हैं कि कोई जानवर नजर आ रही है हमारी बॉलर्स में? क्योंकि नसीम शाह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया आज के, यार वाकई में जो है 140+ फेंक रहा हो, और लग रहा होगा यार कल जो है ये विकेट ले लेगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 400 तक या 300 तक ऑल आउट कर पाएगी। यार ये अबरार के मुतालिक एक बात कर लूं कि अबरार के, हालांकि हम लोग तो बड़े फेवर में थे, हम समझ रहे थे कि अबरार के साथ ज्यादती हो रही है, और इसके पिछले टोर्स के अंदर वो सिर्फ टोर में बाहर बैठा था, टीम का हिस्सा नहीं बना। सही है। तो बात सुनने में ये आ रही है कि अबरार जो था, जिसका बांग्लादेश के खिलाफ भी वो टेस्ट मैचेस खेलना नहीं चाह रहा था, उसको जबरदस्ती हार छोड़ के खिलाया गया है। अच्छा, जब ये प्लेयर्स की ये पोजिशन हो जाए कि वो टेस्ट खेलने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, हालांकि उसने 6 टेस्ट मैच इससे पहले खेले थे बांग्लादेश से पहले, कोई 36 विकेट ली थी, तो ना बांग्लादेश के खिलाफ खास परफॉर्मेंस थी, और आज भी यही रहा कि पूरी तरह पिट रहा है। प्लेयर्स जब प्लेयर का फोकस ही नहीं है क्रिकेट पे, तो वो आगे कैसे आउट करेगा? और यही बात तुमने अभी फास्ट बॉलर्स की कर दी कि नसीम शाह ने थोड़ी बहुत बॉल करी, मगर नसीम शाह भी अब वैसी बॉल नहीं कर रहे जिस चीज के लिए वो मशहूर थे, और ना ही शाहीन शाह अफरीदी। अब आपके पास अगर कोई बॉलर 140, हमारे पास तो यार हम पिछले 35 साल ऐसे नहीं गुजरे कि किसी वक्त भी हमारे पास 140, 145, 150 फेंकने वाला बॉलर ना अच्छा, रहा। शायद और ऐसा गुजरा। शोएब भाई, एक और मुश्किल चीज ये लग रही है यहाँ से, क्योंकि जो रूट जो है वो अभी तक क्रीज पर मौजूद है, वो दुनिया का नंबर 1 टेस्ट प्लेयर भी है। अगर जो रूट जो है मजीद 1-2 सेशन खड़ा रहा, वो बंदा सेट हो जाता है बिल्कुल ही, फिर वो आउट नहीं किया जा सकता उसको। जो रूट बड़ा तगड़ा प्लेयर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अगर वो खड़ा रहा उसके बाद भी इंग्लैंड के बाद जो बैट्समैन आ रहे हैं, बेन डकेट है इसके बाद जो आएंगे, वो भी बड़े अच्छी इन कंडीशन में जो रन बनाते हैं, वो मुश्किल हो जाएगा शोएब भाई पाकिस्तान के लिए अगर अर्ली जो है कल आके जो है विकेट नहीं लिए। तो देखो ये तो बात तय है कि इंग्लैंड ने अगर कल 90 रन ओवर्स खेल लिया, तो इंग्लैंड तो बेसबॉल के लिए मशहूर हो गया ना, जब से उनके वो मैकलम कोच बने हैं, उनका नाम बेस कहलाते थे, तो उसकी ऐसे बेसबॉल क्रिकेट क्या नाम शुरू किए, तो उन्होंने 90 ओवर अगर खेल लिए तो 100% मुझे पक्की उम्मीद है कि कल अगर कल सेशन खत्म होगा तो इंग्लैंड के स्कोर के आगे कम से कम 500 रन का फिगर लगा हुआ होगा, और उसके विकटे मुझे नहीं लगता कि ये ले पाएंगे। कल कोई चमत्कार हो जाए, कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए, इन्होंने आउट कर लिए जिस किस्म की बॉल कर रहे हैं। और तुमने बात की जो रूट, तो यार कोई हमें नहीं, पूरी दुनिया में जहां जाता है पूरी तरह मार रहा है। पिछले 1-2 साल जो है ना उसने बेतहाशा दुनिया भर में रन किए हैं, और वो अब करीब तक जा रहा है तेंडुलकर के रिकॉर्ड की तरफ। पहले हम देख रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर उसको अपना कोहली को, मगर कोहली का स्ट्रोक लग गया है। अब अगर बात हो रही है कि तेंडुलकर के रिकॉर्ड की तरफ अगर कोई जा सकता है तो जो रूट है वो जो रूट है। अरे शोएब भाई, रवि अश्विन का भी ट्वीट आया है मेरे सामने, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में। इससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी उनका एक बयान आया था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट पे जो है तरस आता है, उनकी क्रिकेट बहुत डाउन चली गई। अभी उसने अभी अभी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं अ ड्रा ऑन कार्ड्स ऑन द कार्ड्स एट मुल्तान, यानी वो कह रहे हैं क्या मुल्तान में ये मैच ड्रा होने जा रहा है, एक ट्वीट किया है।
मेरे ख्याल से उनकी क्रिकेटिंग जो सेंस है वो काफी अच्छी है, हमें भी ऐसे ही लगता है शो भाई, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये मैच ड्रा होने जा रहा है भाई। ये लग तो रहा है मगर ये टोटली डिपेंड करता है इंग्लैंड पे, कि इंग्लैंड अगर 5 और 6 रन के रेट पे चला गया तो ये मैच फिर इंग्लैंड अपनी तरफ कर सकता है, वरना इंग्लैंड ने अगर ऑर्थोडॉक्स किस्म की क्रिकेट खेली के पूरा दिन निकालता है और 250-300 देखे ना, बॉलर्स के लिए कुछ रखा ही नहीं गया ना इस पिच पे, क्या है बॉलर्स के लिए, इतना सा स्विंग इतना सा टर्न नहीं हो रहा वहां पे, तो क्या ही हम विकेट ले पाएंगे। आपको पता है अगर टेस्ट में जीतना है आपको 20 विकेट लेने होते हैं, हमने एक विकेट पता नहीं कैसे ले लिया, वो भी जबरदस्त एक फील्डिंग की उसने आमिर जमाल, एक विकेट हमने ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बॉलर्स के लिए इस पिच के ऊपर है। हो सकता है स्पिन फ्रेंडली हो जाए आगे चल के, जो कि कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों बाद हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई खास स्पिनर भी नहीं है शोएब भाई। ये विकेट चौथे पांचवे दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी, ये तुम देखना, और बात सारी वही आ गई जो तुमने अभी ये जुमला बोला है कि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर है ही नहीं कि जो के इस विकेट से मदद ले सके, इस विकेट पे लंबे लंबे ब्रेक कर सके। एक रह दे के अबरार अहमद है, तो अबरार अहमद फिंगर स्पिनर है, वरना रिस्ट स्पिनर जो होते हैं कि कोई लेग ब्रेक होता जिस तरह अब्दुल कादिर थे या दनिश कनेरिया आए थे या वो यासिर शाह थे, वो कितनी लंबी लंबी स्पिन करते थे यार। यासिर शाह के आप रिकॉर्ड तो देखें, मकसद उसने कितनी विकेट ली है। अब हमारे पास ऐसा कोई बॉलर ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सईद अजमल थे हमारे पास, सकलैन मुश्ताक थे, कितने जादूगर बॉलर थे, वो सब खत्म हो गए ना। बॉलर में हमारे पास चलो इमरान खान, वकारी यूनुस, वसीम अकरम को छोड़ दो, शुएब अख्तर को छोड़ दो, उसके बाद मोहम्मद आसिफ राय है, उमर गुल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है यार फास्ट बॉलिंग के अंदर। अब ये सब खत्म हो गए, अब शाहीन शाह अफरीदी बार बार इस चीज को रो रहे हैं, तो हम टेस्ट क्रिकेट तो यार नहीं जीत सकते ना जब तक आपके पास, इंडिया क्यों जीती है, इंडिया के पास स्पिनर भी हैं, इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर भी है, शामी भी बॉल कर रहा है, फास्ट बॉलर भी कमाल करते हैं, इंडिया की भी विकेट तो ऐसे ही होती है ना, इंडिया भी तो 150-150 रन 400-500 रन बना रहे हैं ना, मगर वो कमाल ये करते हैं उसके बाद दूसरी टीम को ट्रैप कर लेते हैं अपने बॉलर के मदद से, अगर हमारे बॉलर जो है ना ये काम नहीं कर पा रहे। अगर वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि इंडियन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो इंडिया की विकेट भी कोई पाकिस्तान से तब्दील नहीं होती। बात यह है कि वो इंडिया के बॉलिंग अटैक अब ऐसा हो गया है कि वो दूसरी टीम को ट्रैप कर लेते हैं, हम दूसरी टीम को ट्रैप करने के काबिल नहीं है। हाँ, और शोएब भाई ये आमिर जमाल का भी अभी इंटरव्यू आया, वो भी यही कह रहे हैं कि पिच जो है वो बॉलर्स के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई है, बैटिंग के लिए बनाई गई है। वो फिर भी कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कल जो है स्टंप्स पे मुसलसल जो बॉलिंग करें, अदरवाइज यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, कोई टर्न नहीं हो रहा जहाँ से जो हम मदद ले सकें। ये पीसीबी को पता नहीं क्या सूझे कि बैटिंग फ्रेंडली इतनी फटा पिच जो बना दी है, जहाँ पे जो हमारे बॉलर्स ना ही बैट्समैन खुश हैं, हमारी टीम भी खुश नहीं है, ये कौन बनाता है वैसे शोएब भाई ये पिचेस। लास्ट टाइम भी हमने देखा था तो अजहर महमूद को भी पिच ने सरप्राइज किया था जब बांग्लादेश खेल रही थी इंदर रावलपिंडी, तो हर बार जो है अपनी कंडीशंस में जो है ना मार खा जाते हैं। बाहर यूएई में हम अच्छा खेल रहे होते हैं, जब पाकिस्तान में मैचेस आते हैं वहां पे हम जो है बड़ा सरप्राइजिंग हो जाते हैं पिचेस। इधर मेरा ख्याल से पीसीबी ने ये इज्जत बचाने के लिए बनाई है, अगर पीसीबी यहाँ पर ग्रीन टॉप विकेट बना देता तो ये हमारे बैट्समैन पहले दिन ही ऑल आउट हो जाते, तो फिर करते क्या। तो अभी तो उनको ये है ना कि यार अभी तो पीसीबी जा रही है, भले ड्रॉ हो जाए हम विकेट के मुताबिक थोड़ी बहुत गालियां सुन लेंगे, मगर कम से कम हम वो हार के उस अजीमत से तो बचेंगे। पीसीबी ने प्योरली मन कहे कि यार तुम बेशर्मो कुछ भी कर लो, ये मैच तो कम से कम ड्रॉ करके तो निकलो, ये हार हार के तो हमने ऐसी तैसी करा ली, प्योरली ये है। बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान इंग्लैंड जी सीरीज जारी है, पहले टेस्ट जो ॾींहुं जो खत्म थी वियो, इंग्लैंड जो है तकरीबन 100 ठाहे छॾियो आहे रनसूं, 96 ते हिकिड़ो विकेट गिरियो आहे 20 ओवर खां पोइ। उमीद आहे की पाकिस्तान सुभाणे कमबैक कंदो, इहो टेस्ट मैच खटंदो। तव्हांखे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, अलाह हाफ़िज़।